इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे, ब्रिजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की अडहॉक कमेटी पर 2 कोचेज का नाम प्रस्तावित किया गया है, उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेज को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों, वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो, निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचिज के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे, उन सबको अपने जाके बातचीत करेंगे। सर, सरकार ने कितनी मांगे मानी है? उनकी मांगे मानी, ये सारी बातें ही हमारी आम सहमति से हुई। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए, मांगे भी सुझाव भी, आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचेज भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा ब्रिजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा ब्रिजभूषण के अरेस्ट का बना हुआ है। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूर्ण करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे।